नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 138 सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। मान लो सपोज किसी पर्सन ने कोई चेक इशू किया बी नाम के व्यक्ति को, ठीक है, और ए नाम के व्यक्ति के अकाउंट में पैसे इनसफिशिएंट बैलेंस है, चेक बाउंस हो गया। अब उसकी क्या लाइबिलिटी बनती है, ठीक है, जबकि वो लीगली बाउंड था उसको पे करने के लिए, उसने पेमेंट का जो मेथड चूज किया दैट इज चेक। तो चेक इज अ इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। उसके रिगार्डिंग क्या प्रोसीजर, आप कोर्ट में कैसे केस फाइल कर सकते हो, क्या आप डायरेक्ट केस फाइल कर सकते हो या उससे पहले कुछ और रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और पेनल्टी कितनी है, क्या ये क्रिमिनल ऑफेंस है, क्या ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, क्या मेंस रेया रिक्वायर्ड है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर वीडियो लेक्चर के अंदर। तो बने रहिए एंड तक, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक करना, एंड देन जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है वो शेयर और लाइक जरूर करना। लेट्स स्टार्ट सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट। देखो 138 ऑफ एनआई एक्ट से पहले आपको सेक्शन 13 देखना है। 13 में इंस्ट्रूमेंट की डिफाइन किया गया, इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मींस अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। तो हम चेक पे ही बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, पेबल आइदर ऑर्डर और बिल। तो मतलब चेक इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मान लो सपोज अब किसी ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू किया, चेक इशू किया, उसका क्या प्रोसीजर रहता है कोर्ट में सूट केस फाइल करने का, कंप्लेंट फाइल करने का, या फिर प्रोसीजर कैसा रहता है और पेनल्टी क्या रहती है, वो सब आपका चैप्टर नंबर 17 चैप्टर नंबर 17 जो अमेंडमेंट हुआ था 1989 में आपके फुटनोट में दिया होगा चैप्टर नंबर 17। देखो समटाइम आपको एग्जाम में चैप्टर नंबर पूछ लेते हैं, आपका एमसीक्यूज बन जाता है। कब अमेंडमेंट हुआ, 1 अप्रैल 1989, ठीक है। देन सेक्शन, अब 1 अप्रैल 1989 में इस चैप्टर में कितने सेक्शन ऐड किए थे, तो 138 से लेकर 142 इस चैप्टर में, ठीक है। तो इस तरह से आपको समटाइम क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। देन नाउ डिसऑनर ऑफ चेक ऑफ इनसफिशिएंसी ऑफ फंड और ऑफ अकाउंट। अब अगर मान लो किसी ने चेक इशू किया और वो डिसऑनर हो गया, इनसफिशिएंट बैंक बैलेंस एक्सेट्रा, where any check drawn by a person on an account maintained by him with the banker for payment of any amount of money to another person from out of that account for the discharge in whole or in part on any debt or other liability. Ab wo check kyun issue kiya tha, ki discharge in whole or any part of any debt, koi debt tha uske against payment ki thi या अदर लीगल लाइबिलिटी थी तब उसने चेक इशू किया था, इज रिटर्न बाय द बैंक अनपेड। अब बैंक जैसे ही आपने प्रेजेंट किया बिफोर द बैंक, जिस बैंक में अकाउंट है ड्रॉअर का, रिटर्न बाय द बैंक अनपेड, अब वो चेक आपको अनपेड रिटर्न कर दिया बैंक ने, क्यों, आइदर बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ दैट बैंक अकाउंट इज इनसफिशिएंट टू ऑनर द चेक। मतलब उस बैंक अकाउंट में, जिस बैंक अकाउंट का वो चेक इशू है उसमें इनसफिशिएंट बैंक बैलेंस है, और दैट इट एक्सीड टू द अमाउंट अरेंज टू द पेड फ्रॉम दैट अकाउंट बाय द एग्रीमेंट मेड विद दैट बैंक, सच पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड, उस पर्सन को हम मानेंगे, क्या मानेंगे, कमिटेड ऑफेंस, दिस इज ऑफेंस मीन्स क्रिमिनल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी, एंड शैल
विदाउट प्रेजराइज टू एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंडेड टू ईयर और विद फाइन विच मे एक्सटेंडेड ट्वाइस अमाउंट ऑफ द चेक एंड विद बोथ। तो यहाँ पे पनिशमेंट से भी आपको एमसीक्यूज बन सकता है कि कितनी पनिशमेंट है 138 में, बट इससे पहले जो पनिशमेंट थी ये फोर्थ आपका फुटनोट में दिया होगा, यहाँ पे इसको अमेंड किया गया 2002 में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड, पहले आपका पनिशमेंट वन ईयर था, आफ्टर दैट इसको आपका टर्म विच मे बी एक्सटेंड टू वन ईयर विद इफेक्ट फ्रॉम 6/2/2003, पहले वन ईयर था, उस वन ईयर को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया गया, अब टू ईयर है, तो 2003 से पहले कितनी थी, वन ईयर, आफ्टर दैट इसको अमेंड किया गया। तो समटाइम आपको इस तरह से भी क्वेश्चन वहां पे आ सकते, बट बिफोर दैट मान लो चेक तो इन आपका वॉन्स हो गया, इनसफिशियंट बैलेंस है, क्या आप डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हो? नो, आप डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते हो। देयर इज अ कॉज ऑफ एक्शन, कब से स्टार्ट होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ जब डिसऑनर ऑफ चेक होगा? नो, कॉज ऑफ एक्शन कब से स्टार्ट होगा आपका, वो हम डिस्कस करेंगे, प्रोसीजर क्या है इसका। तो आप डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते, कुछ प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसीजर प्रोवाइजो में दे रखा है, प्रोवाइडेड दैट, नेक्स्ट देखना, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल ऑल्सो अप्लाई। देखो जब भी हम वेरेक्ट रिवीजन करें, प्लीज आप अपने पास भी एक वेरेक्ट आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आप उस वेरेक्ट में नोट डाउन कर सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट से, आप वेरेक्ट में बहुत सारी चीजें नोट डाउन कर सकते हैं जो क्विक रिवीजन के लिए आपको हेल्प करेगा, ठीक है। आपको ये भी पता लगेगा कि कहाँ पे मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ, कहाँ पे एमसीक्यूज बोल रहा हूँ, तो वो भी आप थोड़ा सा आप वहां पे अपना हाईलाइटेड कर सकते हैं। ए, the check has been presented to the bank within a period of 6 months from the date on which it is drawn and within the period of its validity whichever are. ab yahan pe bada important si cheez hai, the check has been presented to the bank, yes aapko check bank mein present karna padega within period of 6 months, dekho yahan pe within period of 6 months hai, abhi isko main clear karta hu, from the date on which it is drawn or within period of validity whichever is earlier. तो भी जो ड्रॉन की जो डेट होगी, ऑब्वियसली चेकमन डेट होगी, जो चेकमन डेट होगी उस दिन से लेकर आपको नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर उसको चेक को प्रेजेंट करना पड़ेगा बिफोर द कोर्ट, बिफोर द बैंक, उस बैंक में लगाना पड़ेगा, प्रेजेंट करने का फॉर द पेमेंट। बट याद रखना 6 मंथ का पीरियड जो है बाय एनआई एक्ट, जो ओरिजिनल यहाँ पे जब था तो 6 मंथ का पीरियड था, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल में आफ्टर दैट आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन इशू किया, आरबीआई ने नोटिफिकेशन इशू किया, तो जो पीरियड हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम 6 मंथ टू 3 मंथ्स, आरबीआई की नोटिफिकेशन है, समझना इसको, अमेंडमेंट नहीं हुआ इसमें, आरबीआई की नोटिफिकेशन, आरबीआई की नोटिफिकेशन आई 4 नवंबर 2011, जो 6 मंथ का पीरियड उसको कन्वर्ट किया गया 3 मंथ्स का पीरियड से। तो आज की डेट में जो प्रैक्टिकल है 2011 के बाद जो प्रैक्टिस में है, आपको 3 महीने के अंदर 3 मंथ के अंदर वो चेक प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इन दैट केस यहाँ पे अब समझने वाली बात यह है कि आपको एमसीक्यूज आता है, आपको एमसीक्यूज आता है, प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आता है, तो यहां पे दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको पूछा गया कि एनआई एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 138 ए के अकॉर्डिंग कितने मंथ का टाइम है, तो आपको 6 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि एनआई एक्ट में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ, एनआई एक्ट के अकॉर्डिंग 6 मंथ का पीरियड है। दैट्स वाई यहां पे बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन गलत हो जाता है, वो 3 मंथ करके आते हैं और वहां पे आंसर की में 3 मंथ नहीं होता, 3 मंथ इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि एनआई एक्ट में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ 3 मंथ का। यस, अगर स्पेसिफिकली आपको पूछा गया है कि एट प्रेजेंट क्या है, या फिर आरबीआई की नोटिफिकेशन जो 4 नवंबर 2011 को इशू हुई उसके अकॉर्डिंग कितना है, तब आप लिख सकते हो 3 मंथ, अदरवाइज आपका एमसीक्यू यहाँ गलत हो जाएगा। तो आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, एनआई एक्ट में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ, वो आरबीआई की नोटिफिकेशन है जिसमें 4 नवंबर 2011 को नोटिफिकेशन है जिसमें 3 मंथ का पीरियड दिया गया है और जो एप्लीकेबल है, ठीक है।
यस, अगर यहां पे अमेंडमेंट होता तो देन आपको 3 मंथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये यहां पे ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन आएगा, अकॉर्डिंग टू एनआई एक्ट 6 मंथ ही है, आरबीआई की नोटिफिकेशन 3 है, या आपको पूछे कि प्रैक्टिकली कितना है, प्रेजेंट कितना है, तो 3 मंथ है। नेक्स्ट, द पे और द होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक एज द केस में बी मेक्स अ डिमांड फॉर द पेमेंट ऑफ सेट अमाउंट ऑफ मनी बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग टू द ड्रॉअर ऑफ द चेक। अब देखो, विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीप्ट इंफॉर्मेशन बाय हिम फ्रॉम द बैंक रिगार्डिंग द रिटर्न ऑफ द चेक इज अनपेड। आफ्टर दैट, जैसे ही आपको चेक अनपेड मिलता है, इनसफिशियंट बैंक बैलेंस या एक्सेट्रा जो भी रिमार्क्स होता है उसमें, जो बैंक मेमो होता है, बैंक वाला एक बैंक मेमो इश्यू करेगा और उसमें रिमार्क्स देगा कि आपको रीजन बताएगा कि इस बैंक में या तो इनसफिशियंट बैलेंस नहीं है, स्टॉप पेमेंट कर दिया एक्सेट्रा। तो इन दैट केस, आफ्टर जैसे ही आपको रिसीव हो जाता है वो बैंक मेमो, फिर आपको एक नोटिस इशू करना पड़ेगा ड्रॉअर के लिए। एक नोटिस इशू किया जाएगा, नोटिस इशू करने का टाइम पीरियड यहां पे दिया 30 डेज। 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द बैंक मेमो आपको 30 दिन के अंदर नोटिस इशू करना पड़ेगा, ठीक है। बिफोर दैट नोटिस इज मैंडेटरी हियर, उससे पहले आप यहां पे कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। आफ्टर नोटिस इशू करने के बाद उस नोटिस में क्या रहेगा, जिसको हम लीगल नोटिस बोलते हैं 138 का, द ड्रॉअर ऑफ द सच चेक फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ सेड अमाउंट ऑफ मनी टू द पे और एज द केस मे बी होल्डर इन ड्यू कोर्स चेक विद इन 15 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ द सेड नोटिस। अब आप उस नोटिस में 15 दिन का टाइम दोगे, ड्रॉअर को 15 दिन का टाइम दोगे पेमेंट करने का, क्या 15 मैंने आपका चेक बैंक में लगाया था, आपका चेक बाउंस हो गया, देन प्लीज आप अरेंज कीजिएगा पेमेंट, या फिर आप मुझे पेमेंट दो 15 दिन के अंदर, अदरवाइज आफ्टर 15 डेज मैं कंप्लेंट अगेंस्ट यू आपके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इन दैट केस आप 15 डेज का टाइम उसको ग्रांट करोगे, डायरेक्ट कोर्ट नहीं जाओगे, पहले उसको एक अपॉर्चुनिटी दोगे। हो सकता है कई बार बैंक में बैलेंस ना हो किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो रीजन बियॉन्ड दैट आप उसको एक टाइम पीरियड का अपॉर्चुनिटी दोगे, ताकि आप डायरेक्ट कोर्ट नहीं जाओगे, यहाँ पे 15 दिन का टाइम दोगे मनी को अरेंज करने के। आफ्टर दैट अगर 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर अगर वो मनी अरेंज नहीं कर पाता, तो देन यू हैव गॉट अ कॉज ऑफ एक्शन टू फाइल अ कंप्लेंट। तो यहां पे अब कॉज ऑफ एक्शन आपको अरोज हो जाता है कंप्लेंट फाइल करना, ठीक है। बट बिफोर दैट आपको ये लीगलिटी, जो लीगली प्रोसीजर है, फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए आपको सेक्शन 142 का बी प्लॉट पार्ट देखना पड़ेगा, ये वाला पार्ट। सच कंप्लेंट इज मेड विद इन 1 month ऑफ द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन अराइज अंडर क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 138। तो क्लियर फ्रॉम दिस कि सच कंप्लेंट कब कर सकते हैं आप, 1 month ऑफ द डेट इन विच ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन अरोज। तो कॉज ऑफ एक्शन अरोज कब होता है, ऑलरेडी टोल्ड यू, कॉज ऑफ एक्शन अरोज होता है जब आपका 15 दिन का टाइम खत्म हो, तो 16 डेज से आपका कॉज ऑफ एक्शन अरोज होता है। क्लॉज सी ऑफ प्रोविजो सेक्शन 138। आफ्टर दैट जो कंप्लेंट है, आप 1 month का टाइम आपको मिल जाता है, जैसे ही कॉज ऑफ एक्शन अरोज होता है, तो 142 क्लॉज 1B में क्लियर मेंशन है कि आपका जैसे ही कॉज ऑफ एक्शन फाइल अरोज होता है, तो 30 डेज के अंदर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, 30 डेज के अंदर कंप्लेंट फाइल कर सकते। देखो सेक्शन 138 इज अ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस, 138 इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस, एंड देन मेंजरिया हैज नो प्लेस इन डिटर्मिनिंग द पेनल लाइबिलिटी। तो मेंजरिया इंटेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड, आपको सिर्फ इतना प्रूव करना है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी जजमेंट में बोला, सिर्फ आपको इतना प्रूव करना है कि सच एंड सच पर्सन ने चेक इशू किया, ठीक है,
चेक इशू किया और उसके सिग्नेचर है चेक, आपको इतना ही प्रूव करना है। आपको ये नहीं प्रूव करना है चेक किसने फुलफिल किया, दैट इज इररिलेवेंट, दैट इज इमटेरियल। आपको इतना प्रूव करना है, बर्डन ऑफ प्रूफ क्या रहेगा आपके ऊपर कि पर्सन, मान लो ए है, ए ने चेक इशू किया, अगर इसने इशू किया, इसने इसके सिग्नेचर है चेक पे, ही इज लाइबल। सेकेंड थिंग आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है डेट और अदर लाइबिलिटी, कि जो चेक इशू किया दैट मीन्स अ लीगली इनफोर्सेबल डेट और लाइबिलिटी के अगेंस्ट चेक इशू किया, दैट इज गिवन एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन। डेट और अदर लाइबिलिटी मीन्स अ लीगली इनफोर्सेबल डेट और अदर लाइबिलिटी, तो आपको प्रूव करना कि लीगल इनफोर्सेबल और लीगल अदर लाइबिलिटी। बट इसके फेवर में भी प्रजम्पशन है, इसके फेवर में प्रजम्पशन है 139, प्रजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर इट शैल। अब होल्डर मतलब जिसके पास चेक है, जिसने चेक को होल्ड कर रखा है, उसके फेवर में प्रजम्पशन है, तो उस इट शैल बी प्रज्यूम अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड दैट द होल्डर ऑफ द चेक रिसीव द चेक ऑफ द नेचर रेफर टू इन सेक्शन 138 फॉर डिस्चार्ज इन होल और पार्ट एनी डेट और अदर लाइबिलिटी। तो अब प्रज्यूम कर, कोर्ट यहां पे शैल प्रज्यूम, प्रजम्पशन ऑफ लॉ है, ठीक है, सेक्शन 138 में क्वेश्चन बन सकता है आपको प्रजम्पशन ऑफ लॉ, बट इट इज रिवर्टेबल प्रजम्पशन, रिवर्टेबल है, इसमें रिवर्टल में डिफेंस यहाँ पे आपका एविडेंस दे सकता है, ठीक है। तो मींस जैसे मान लो ए ने चेक इशू किया, ए ने चेक इशू किया अगेंस्ट बी, अब हम कोर्ट यहां प्रज्यूम करेगा कि ए ने जो चेक इशू किया वो इसने अगेंस्ट द कोई लाइबिलिटी है इसकी या फिर कोई डेट है जो बी को देना है, ठीक है। यस, ए यहाँ पे एविडेंस दे सकता है उसको रिवर्टल करने के लिए, इस प्रिजम्पशन को रिवर्टल करने के लिए, बट कोर्ट इज बाउंड हियर, शैल यहाँ पे शैल वर्ड यूज हुआ, इट शैल बी प्रूव्ड मींस मैंडेटरी है, कोर्ट बाउंड है, फर्स्ट प्रेफरेंस हम प्रिजम्पशन को देंगे। आफ्टर दैट अगर ए यहाँ पे एविडेंस रखता है कि आई हैव नो लीगल लाइबिलिटी या नो डेट लीगली डेट, कोई अदर लाइबिलिटी नहीं है, देन इट्स आपका प्रिजम्पशन यहाँ पे रिवर्टल हो जाएगा, अदरवाइज नॉट, ठीक है, क्लियर। देन नेक्स्ट इज सेक्शन 140 डिफेंस विच मे नॉट बी अलाउड इन एनी प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 130। क्या डिफेंस अलाउड नहीं है यहाँ पे, इट शैल नॉट बी योर डिफेंस इन प्रोसिक्यूशन फॉर द ऑफेंस फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 130 दैट द ड्रॉअर हैड नो रीजन टू बिलीव व्हेन ही इशूड द चेक दैट चेक मे बी डिसऑनर on presentment for the reasons stated in that section। ये बोलता है कि यहाँ पे presumption है एक तरह से, इस तरह का defense नहीं ले सकते हैं कि drawer, ठीक है, it shall not be your defense in the prosecution for any offence, it shall not be your defense in prosecution for an offence under section 130, जो 130 का offence उसने commit किया, the drawer had no reason to believe when he issued the check the check may be dishonored on presentment for reason stated in that section। भी उससे कोई इस तरह का रीजन मतलब बिलीव नहीं था कि मतलब इस तरह से चेक डिसऑनर हो जाए, ठीक है, एट द प्रेजेंट, मतलब जैसे इनसफिशियंट ऑफेंस एक्सेप्ट, समझ गए। तो इन दैट केस ये डिफेंस यहाँ पे अलाउड नहीं है, मतलब ड्रॉअर का मानना है कि मैं बाद में भी उसमें पैसे ऐड कर सकता हूँ अकाउंट में। समटाइम क्या होता है कि जब चेक इशू किया उस टाइम इनसफिशिएंट बैलेंस था, मान लो ए ने चेक इशू किया, कोई बैलेंस नहीं है अकाउंट में, उसी दिन उसने चेक लगा लिया और बहुत इनसफिशिएंट, उसमें बैलेंस नहीं, अब बैंक ने क्या बोला, इनसफिशिएंट बैलेंस। अब ड्रॉअर यहाँ पे ये डिफेंस नहीं ले सकता है कि एट द टाइम जब मैंने चेक इशू किया था तो उस टाइम इनसफिशिएंट बैलेंस था, देयर आफ्टर मैंने उसमें डिपॉजिट करने थे बाद में, ठीक है, समझ गए। तो जैसे ही उसने इशू किया उसकी लाइबिलिटी बन जाती है, आप उसी दिन उसके नेक्स्ट डे आप सीधे उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, अगर इनसफिशिएंट बैलेंस है तो ही इज लाइबल अकॉर्डिंग टू 130, ठीक है। देन नाउ हम प्रोसीजर देखेंगे, प्रोसीजर क्या रहता है, ये तीनों सेक्शन कनेक्टेड है यहाँ पे, समझ गए, तीनों सेक्शन आपस में कनेक्टेड है। आपका सेक्शन 130 तो पेनल्टी की बात करता है, प्रोसीजर की बात करता है, एंड देन
सेक्शन 139 प्रिजम्पशन की बात कर रहा है, 140 यहाँ पे डिफेंस की बात कर रहा है। अब नाउ द क्वेश्चन, अब इसमें कैसे आप प्रेजेंट करोगे? सबसे पहले क्या होगा, ए है, ए ने चेक इश्यू किया, इसको हम ड्रॉअर बोलेंगे, बी के नाम, ठीक है, ड्रॉ। अब ए यहां पे बैंक में गया, अब देखो जिस दिन चेक इश्यू हुआ उस दिन से लेकर थ्री मंथ्स के अंदर आपको चेक प्रेजेंट करना, एनी नंबर ऑफ टाइम आप प्रेजेंट कर सकते हो, देयर इज नो लिमिटेशन। आप दूसरे दिन जाओ, फिर जाओ, बैंक को लगाओ, ठीक है, एक्सेट्रा, विद इन थ्री मंथ्स के अंदर एज पर द जो आरबीआई की गाइडलाइन है कि 3 महीने के अंदर आपको चेक लगाना, ऑब्वियसली आपके चेक ऊपर भी लिखा रहता है, ठीक है, तो इश्यू कर दिया, 3 मंथ के अंदर आपको प्रेजेंट करना, ठीक है। आपने मान लो सपोज यहाँ पे प्रेजेंट कर, 3 मंथ के अंदर प्रेजेंट कर दिया बिफोर द बैंक। अब बैंक ने आपको एक रिमार्क्स करके बैंक मेमो इशू किया कि इनसफिशिएंट फंड। अब आपके उन्होंने एक बैंक मेमो दिया, और कहा कि इस जो जिस अकाउंट का आप चेक लगा रहे हो इसमें इनसफिशिएंट फंड है। जिस दिन आपको बैंक मेमो, अब देखो फ्रॉम द डेट, जिस दिन आपको अब यहां से लेकर ये पॉइंट, जिस दिन बैंक मेमो मिला आपको यहां से लेकर यहां तक आपको 30 दिन का टाइम, बैंक मेमो की, बैंक मेमो में डेट मेंशन होगा, फ्रॉम दैट डेट 30 डेज के अंदर आपको नोटिस इशू करना है, लीगल नोटिस इशू करना है। उस लीगल नोटिस में आप डिमांड करोगे, डिमांड नोटिस भी कहा जाता है इसको, पेमेंट की डिमांड करोगे फ्रॉम द ड्रॉअर कि आप पेमेंट पे करो। अब 30 दिन के अंदर जैसे ही आप 30 दिन के अंदर जिस दिन आपने नोटिस इशू किया, मान लो इस टाइम पे नोटिस इशू किया आपने, फ्रॉम दिस डेट नेक्स्ट आपको 15 डेज का टाइम देना है। किसको टाइम देना है? ड्रॉअर को पेमेंट करने के लिए। अब अगर तो 15 दिन के अंदर उसने पेमेंट किया, दैट्स ओके, अगर नहीं किया, जैसे ही 16 डे हो जाएगा यहां पे आपका कॉज ऑफ एक्शन अरोज हो जाएगा, 16 डे से कॉज ऑफ एक्शन अरोज हो जाएगा नेक्स्ट 30 डेज। तो जिस दिन आपने लीगल नोटिस इश्यू किया, लीगल नोटिस इश्यू करने से लेकर आप नेक्स्ट रखो 45 डेज तक, ठीक है, इनिशियल 15 डेज में आपने आप यहाँ पे कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। यहाँ पे जो 15 डेज नोटिस, जो डिमांड पीरियड दिया आपने, डिमांड टाइम दिया उसको, डिमांड नोटिस का 15 दिन का जो टाइम दिया पेमेंट करने के लिए, इस बिटवीन आप कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। जैसे ही 15 डेज का 16 डे हो जाता है तो आप फाइल कर सकते हो, और 15 डेज से लेकर नेक्स्ट 30 डेज के अंदर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो बिफोर द मैजिस्ट्रेट, ठीक है, 142 आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। आफ्टर दैट अगर मान लो सपोज समटाइम क्या रहता है कि 30 डेज के अंदर आपने नहीं किया, तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर आपके पास सफिशिएंट कॉज है, सफिशिएंट रीजन है, आप देर आफ्टर भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, देर आफ्टर भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, बट आपको रीजन मेंशन करना पड़ेगा। तो दैट इज ऑल्सो गिवन इन द सेक्शन 142 प्रोवाइज़ो। यहां देखो, provided that cognizance of complaint may be taken by the court after the prescribed period, if the complainant satisfy the court that he had sufficient cause for not making complaint within such period. So within मतलब 30 days के अंदर अगर आपने complaint नहीं file कर पाए, you can, आप file कर सकते हो, but आपको sufficient reason देना पड़ेगा, आपको court को satisfy करना पड़ेगा। अगर court satisfied आपके reason से, then your complaint may be admitted, ठीक है। दिस इज आपका जो प्रोसीजर रहता है 138 में कि कंप्लेंट कैसे फाइल होता है, तो समझ गए। सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ द चेक विद इन 3 मंथ्स वैलिडिटी या फिर और वैलिडिटी, जो भी वैलिडिटी दी हो, एंड डिसऑनर आफ्टर दैट, अगर आपका चेक डिसऑनर हो जाता है देन
नोटिस इन राइटिंग टू ड्रॉ डिसऑनर होने पे आपको बैंक मेमो मिलता है। बैंक मेमो मिलने के बाद आप नोटिस इश्यू करेंगे, रिटर्न नोटिस, नॉट ऑरल, रिटर्न नोटिस टू द ड्रॉअर विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ डिसऑनर। जैसे इंफॉर्मेशन आती है डिसऑनर की, उसके विद इन 30 डेज आप नोटिस इश्यू करोगे। देन आफ्टर दैट ड्रॉअर फेल्स टू पे विद इन 15 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस। जैसे उसको रिसिप्ट हो जाता है नोटिस, रिसिप्ट ऑफ नोटिस, जब सर्विस हो जाती है नोटिस, तब से आप काउंट करोगे 15 डेज। ठीक है, तो देन 15 डेज आप काउंट करोगे। 15 डेज के अंदर अगर उसने पेमेंट किया देर से ओके, नहीं तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 15 डेज फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ द नोटिस इंस्टीट्यूशन ऑफ कंप्लेंट विद इन 1 मंथ। फिर आप 1 मंथ के अंदर कंप्लेंट फाइल कर सकते हो 138 में, ठीक है, बिफोर द मैजिस्ट्रेट। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका सेक्शन 138, 139 एंड 140 ऑफ द एनआई एक्ट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम बनाएंगे सेक्शन 141 ऑनवर्ड्स। तो बने रहिए हिमालयन जुडिशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। धन्यवाद।